Hello guys, welcome to my channel. Today we're gonna discuss about something interesting and something new topics about your headphone or earphone or earbuds. तो देखिए basically क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, बेशक सभी लोग आज के दिन पे आज के टाइम पे जो है हेडफोन्स वगैरह ईयरफोन्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन जो है उस पे लिखा हुआ रहता है कि 60% से ज्यादा मत सुनिए। किसी किसी हेडफोन जो अच्छे क्वालिटी का आता है उसमें सैमसंग का मोबाइल में बेसिकली देखिएगा, अगर 60% से ऊपर अगर साउंड देते हैं तो वहां पे जो है वो बोलेगा कि प्रॉब्लम होएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप सुनते हैं। तो देखिए हमारा ईयर्स को, हमारा ये जो पार्ट होता है बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक सा पार्ट होता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड सुनेंगे तो आपका कान जो है पर्दा फाड़ सकता है, खराब भी हो सकता है। तो देखिए हमारा जो ईयर होता है, ईयर पे बेसिकली 3 अलग अलग पार्ट होता है, मतलब 3 अलग अलग कक्ष होता है। एक होता है हमारा आउटर लेयर, एक मिडिल लेयर और एक इनर लेयर। तो आउटर लेयर जो है हमारा, हम देख सकते हैं, ये जो हाथ लगा के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आउटर लेयर। मिडिल लेयर पे क्या होता है, मिडिल लेयर को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, जहां से आप मैल या कुछ भी वगैरह अगर घुस जाता है तो उसको वॉश करते हैं ना ईयरबड्स की मदद से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि मिडिल ईयर। और जो होता है हमारा इनर ईयर, इनर ईयर जो है बहुत ही नाजुक सा चीज है। देखिए इनर ईयर पे हमारा रहता है कॉकलिया, कॉकलिया का शेप थोड़ा सा इस तरीके का घुमा हुआ रहता है, आपको दिखाते हैं, ये देखिए पिक्चर देख पा रहा है, ये है कॉकलिया। कॉकलिया का शेप कुछ इस तरीके का होता है। तो कॉकलिया में कैसे साउंड, ये देखिए बाहर साउंड चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली साउंड को सुन रहे हैं। सुनने के बाद क्या होएगा, हमारे जो इनर लेयर होता है, इनर मतलब मिडिल लेयर के एंड पार्ट में, वहां पे पर्दा लगा हुआ रहता है, पर्दे से साउंड प्यूरिफाई होके उधर जाता है। उधर जाने के बाद बहुत ही हमारा सेंसिटिव मतलब चीज रहता है, जहां पे रिसेप्टर लगा हुआ रहता है। और जो कॉकलिया बोला, कॉकलिया पूरा का पूरा जो है फ्लूइड फिल एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पूरा पूरा ब्लड फिल हुआ रहता है वहां पे। वहां पे देखिए क्या हुआ, बेसिकली छोटा छोटा सा हेयर रहता है इस तरीके का, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए अगर इसको मुड़ेंगे तो कैसा होएगा, इस तरीके का छोटा छोटा जो है हेयर लगा हुआ रहता है। अगर इस हेयर लगा हुआ रहता है तो इसको अगर हम क्या करेंगे, बेसिकली वाइब्रेट पैदा करेंगे तो क्या होएगा, यहाँ पे वाइब्रेट जो महसूस होगा वो हाथ पे आएगा। इस तरीके का ही कुछ शेप कानों के अंदर लगा हुआ रहता है, ये रिसेप्टर होता है। यहाँ पे जब वाइब्रेट आता है तो वो क्या करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करे तो क्या होएगा, नर्व्स के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं उस मैसेज को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर आप ज्यादा लाउड साउंड सुनेंगे तो क्या होएगा, बेसिकली ये जो होएगा ये रिसेप्टर आपका डैमेज हो जाएगा। शायद से मान लीजिए कि मैं इसको वो थोड़ा सा साउंड दे रहा हूं, मतलब थोड़ा सा ही साउंड दिया, मतलब मान लो 50-60% 40% साउंड दिया तो है बेसिकली ये टिक पा रहा है, ये सुन पा रहा है। अगर मैं इसको लाउड साउंड देने की कोशिश करता हूं तो वैसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए कोशिश करता हूं। तो देखिए अगर मैं थोड़ा बहुत लाउड साउंड देने की कोशिश किया तो क्या होएगा, इस तरह से ये देखिए एक तो इधर साइड बिखर गया, इधर साइड भी बिखर गया एक तो क्या होएगा, ये बेसिकली डैमेज हो गया। तो हमारा सेंस भी कुछ ऐसा है, अगर आप सुनोगे उसको इस तरीके से तो जो है इस तरीके से डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तभी जो है हमारा, हम जब सुनते हैं तो इस तरह से सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं, इस तरीके का जो है प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जो है ईयरबड्स वगैरह हेडफोन वगैरह देख के यूज करना चाहिए। और जो है बेसिकली 60% से अगर ज्यादा होता है तो किसी किसी टाइम जो है पर्दा को नुकसान पहुंचा सकता है, पर्दा बेसिकली थोड़ा हार्ड रहता है,
पर्दा से नहीं, मतलब अंदर को जो है उसको डैमेज कर सकता है। तो 70 dBs से लेकर 60 dBs ये नॉर्मल होता है, उससे अगर ज्यादा होएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होएगा। तो सेहत को ध्यान रखते हुए मैं ये चीज आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भी ईयरफोन जो भी हेडफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, देख के थोड़ा सा यूज करिए, इसी में आपका ही भला है। और जो ईयरफोन वगैरह यूज करने के टाइम देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि 60 मिनट से ज्यादा ना यूज करें। मतलब अगर मैं यूज कर रहा हूँ दोनों हेडफोन घुसाता हूँ, यूज कर रहा हूँ 60 मिनट तक यूज किया, उसके बाद थोड़ा सा खोल दीजिए, कान को रिलैक्स होने दीजिए, कान पे एयर पास होने दीजिए। क्योंकि अगर कान पे एयर ठीक ठाक से एयर पे एयर नहीं पास होएगा तो क्या होने का खतरा बढ़ जाएगा। देखिए मैं लगा लेता हूँ इसको, तो क्या है बाहर से जो एयर है एयर नहीं जा पाता है अंदर। अगर एयर अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या होएगा, ये शून्य पड़ जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं, बाहर का एयर आएगा तो क्या है बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह बढ़ने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अगर वहां पे एयर ठीक ठाक से नहीं पहुंच रहा है या कुछ भी नहीं पहुंच रहा है बाहर का एनवायरमेंट का, तो क्या होएगा उसका वायरस बैक्टीरिया का जो फैमिलीज्म है वो बढ़ाने स्टार्ट कर देगा और वो ठीक ठाक से रह पाएगा वहां पे। तो उस चीज को हटाने के लिए हम जो है यार यार को पास होने देते हैं थोड़ी देर, तो चलिए उसको रख के थोड़ी देर बाद सुनिए, सेहत का भी ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो का बनाने का मकसद यही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।